हेलो फ्रेंड्स, आज से मतलब अभी से हम लोग शुरू करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स दिसंबर 2001 से 1 फरवरी 2023। इसमें हम लोग कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2023, मिस यूनिवर्स 2022, आईसीसी अवार्ड्स 2022, केंद्रीय बजट 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2021-22, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2022-23, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2022-23, सम्मेलन और समारोह 2022-23। ये सारे आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम लोग पहला भाग देखेंगे वो होगा करंट अफेयर्स, कौन क्या कहाँ। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वां, न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ 50वां, महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी 16वां, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल, संसदीय प्रमुख सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा कोई नहीं, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा पीयूष गोयल, अध्यक्ष लोकसभा 17वीं ओम बिरला 17वां, नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड नियुक्ति को अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार 25वां, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अनूप चंद्र पांडे, उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो इसमें 4 लोग हैं, अजय भादू, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां, महालेखा नियंत्रक सीजीए भारती दास 27वां। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी 27वां, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार 25वां, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे 29वां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेज अनिल चौहान, महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो यहाँ पे ले और ज का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब हम लोग देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार
अजय कुमार सूद। कौन है? तो अजय कुमार सूद। अब देख लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सिन्हा। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लॉ सामंत कुमार गोयल। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है? तो दिनकर गुप्ता है। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी। ईडी कौन है? संजय कुमार मिश्रा। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कौन है? तो सत्य नारायण प्रधान। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पंकज सिंह। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ एसएल थाउसेन। अब हम लोग देखते हैं आगे। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कौन है प्रमुख? तो है प्रमुख नहीं महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कौन है? तो एमए गणपति। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह अरुण कुमार सिन्हा। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गुरबीर पाल सिंह 34वें। महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी वीएस पठानिया 24वें। निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ मृणालिनी श्रीवास्तव। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस संजय चंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? तो प्रदीप चंद नायर। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी। सीईओ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। अब हम आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पे। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग रितु राज अवस्थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा 9वीं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंस राज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये चेंज हुए हैं, तो ये कौन है? हंस राज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी एस किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अब बढ़ते हैं आगे। अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग एन के सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इंडियन कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? संगीता वर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा। कौन इनका क्रमांक कितना है? 8वां। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय बोर्ड और समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लोहाटी, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी बुच। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी कौन है, तो रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नितिन गुप्ता। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के कौन है, तो विवेक जौहरी। ठीक है, अब आगे चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो मिनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन है, तो दिनेश के सराफ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो पीडी वाघेला। सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के कौन है, तो सौरभ गर्ग। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयोग कौन है, तो विवेक जोशी। ठीक है, देख लेते हैं। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। अध्यक्ष प्राकलन समिति गिरीश बापटा। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव। अब महारत्न कंपनियां जो कि संख्या में कुल 12 हैं, उनके प्रमुख को हम लोग देख लेते हैं। कितनी महारत्न कंपनी है, तो 12। अब इनके प्रमुख कौन कौन है, निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के कौन है, तो गुरदीप सिंह। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के कौन है, तो अरुण कुमार सिंह। निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कौन है, तो सोमा मंडल। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के कौन है, संदीप के गुप्ता। निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य। निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड CIL के कौन है, प्रमोद अग्रवाल। निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL VR कृष्ण गुप्ता। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के निदेशक कौन है, नलिन सिंघल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के श्रीकांत। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक रविंद्र सिंह ढिल्लो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक विवेक कुमार देवांगन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD। ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है, PK पुरवार। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष है ना, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष संजीव कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष कौन है, संबित पात्रा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक कौन है, सुनील कुमार। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL के निदेशक PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के निदेशक वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के निदेशक श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक रंजीत रथ।
ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, बेल के निदेशक MV गोवत्मा, फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है, R माधवन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के निदेशक कौन है, सुमित देव, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक कौन है, तो अतुल भट्ट, फिर आगे देखते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के निदेशक हरजीत कौर जोशी। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC के निदेशक राकेश कुमार। अब देखते हैं हम लोग शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, ठीक है, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है, M जगदीश कुमार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति कौन है, प्रोफेसर नागेश्वर राव, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, योगेश सिंह, उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलपति कौन है, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति राकेश भटनागर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, डॉक्टर विजय भाटकर, और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, यहाँ पे हमें कुलाधिपति और कुलपति दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है तो डॉक्टर विजय भाटकर, और अगर कुलपति पूछे तो सुनैना सिंह, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है, प्रोफेसर नजमा अख्तर, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो निधि छिब्बर है, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबर, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पछरने, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पछरने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर, आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष अवीक सरकार, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के अध्यक्ष विश्वास त्रिपाठी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS INS के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी, ठीक है। अब पूछेगा वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम इसे भी एक बार देख लेते हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, S. सोमनाथ, और उनका क्रमांक कितना है, तो वो 10वें नंबर पे बने हैं, है ना। तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, S. सोमनाथ, और वो 10वें अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, तो BARC के निदेशक कौन है, अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो टी रामास्वामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसको, खेल संगठनों के प्रमुख को, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के कौन है, तो जोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक ICC के इंदिरा नोई। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जैसा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को, ब्रिटेन के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ IWF है ना, मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है, तो मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCCI, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के कौन है, तो विनीत सरन। फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष कौन है, लवलीना बोरगोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, 36वां। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़। उसी तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश पवार। अगर आपको इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का अगर कोच पूछेगा तो उसका आंसर होगा राहुल द्रविड़, और वीमेंस क्रिकेट टीम का पूछेगा तो उसका जो चीफ कोच है वो है रमेश पवार। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष कौन है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है, तो आदिल सुमरीवाला, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह, ठीक है। अब भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो PT उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, जो कि पहली बार किसी महिला को बनाया गया है, और वो कौन है, तो PT उषा, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सविता पूनिया। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष दीपा मलिक, ठीक है। अब हम लोग
बीमा संस्थानों के प्रमुख को देख लेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष देवाशीष पांडा, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष MR कुमार, जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक कौन है तो BC पटनायक, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, देवेश श्रीवास्तव। ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है तो अतुल सहाय, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है, SN राजेश्वरी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SL त्रिपाठी। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के अध्यक्ष तजिंदर मुखर्जी, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है, किशोर कुमार बोलू दासू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख को, फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला, फिक्की के अध्यक्ष सुब्राकांत पांडा, आसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा, आसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष आर्दिनेश, इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी, नास्कॉम के चेयरमैन कौन है, कृष्णन रामानुजम। ठीक है, इसी तरह नास्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है, नास्कॉम के प्रेसिडेंट देवजनी घोष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, लियो पुरी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है, विक्रमजीत साहनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष SS मुंद्रा। ठीक है, अब चलते आगे हम लोग, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय बैंक RBI, तो RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो कि 25वें हैं, उप गवर्नर कौन है RBI के, T रविशंकर और M राजेश्वर, उसके अलावा M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवदत्त पात्रा। तो यहाँ पे टोटल कितने उप गवर्नर हो गए, 1, 2, 3 और 4, मतलब गवर्नर के अलावा जो है 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, और उनके नाम है T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। वहीं RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है तो सुधा बाला कृष्णन। ठीक है, अब हम लोग सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख या MD और CEO को देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक के CFO चरणजीत सिंह अतरा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन, उसके अलावा और कौन कौन है, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव चढ़ा, बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र AS राजीव। ठीक है, केनरा बैंक के कौन है तो लिंगम वेंकट प्रभाकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है, मातम वेंकट राव, इंडियन बैंक के कौन है तो शांति लाल जैन। ठीक है,
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल, पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा, यूको बैंक के सोमा शंकर प्रसाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एम ए मनी मेखलाई, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी ए मनी मेखलाई, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक नोट भी दिया हुआ है, नोट में क्या है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय किसके साथ हुआ, तो इंडियन बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में विलय कर दिया गया है ना। इसकी वजह से जो प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं वो कितने हो गए हैं, तो 12 हो गए हैं। अब इसमें कौन से बैंक का विलय किस बैंक में किया है वो भी हमको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकता है या एमसीक्यू के टाइप में भी दे सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ, तो इंडियन बैंक में, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ, तो इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। आंध्रा बैंक का विलय किस में हुआ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। मतलब ये दो बैंक का विलय किस में कब किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओज, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक, इंडस इंडिया बैंक के सीईओ सुमंत कंठपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बक्सी, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बक्सी, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, ठीक है। आईडीएफसी बैंक के कौन है, तो महेंद्र शाह, यस बैंक के प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी के जे वेंकटरामू, धनलक्ष्मी बैंक के जे के शिवन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश, एमडी एंड सीईओ पेटीएम के कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। उसी तरह पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, तो सुरेंद्र चावला, ठीक है। अगर पेटीएम का एमडी और सीईओ पूछे तो विजय शेखर शर्मा, और वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ पूछे तो सुरेंद्र चावला, ठीक है। आगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष एस रमन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी के सीईओ राकेश शर्मा, एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगाली, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी, भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल, एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के कौन है, तो शारदा कुमार होटा, आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। कार्यवाहक चेयरमैन किसके
तो करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन कौन है? तो मीना हेमचंद। ठीक है, उसी तरह फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप सदरंगानी, फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन, एचडीएफसी लाइफ के सीईओ विभा पडालकर, डेवलपमेंट क्रेडिट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक। ठीक है, तो इसके कौन है प्रमुख? तो है मुरली एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक के प्रमुख एस एस स्वाति। यहाँ पे भी एक नोट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। ठीक है, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में, वहीं लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, अब जो सेक्शन है वो है रक्षा उपकरण का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आए दिन इसमें भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा उपकरण बनाया गया है और उसे किस देश ने विकसित किया है और वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे, उपकरण किस देश में विकसित किया गया और वो क्या है। हेलिना, हेलिना को भारत में ही विकसित किया गया है और ये क्या है, टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक, चिनूक क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। ठीक है, बराक एट, बराक एट क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है। आईएनएस वेला क्या है, तो ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे फ्रांस ने बनाया है। राफेल, राफेल लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस की कंपनी है, कौन, तो डसाल्ट एविएशन इसने बनाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने बनाया है। पिनाक क्या है, तो ये रॉकेट है, ये भारत ने बनाया है और ये पहला स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, आईएनएस कलवरी क्या है, तो स्कॉर्पियन शेरी की पनडुब्बी है और ये भी स्वदेश में, मतलब कि भारत में ही निर्मित किया गया है। उसी तरह अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या फिर संगठनों के प्रमुख को। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख को पहले देखते हैं, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन है, तो वो एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। और उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के उप महासचिव अगर पूछे तो कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। यानी कि अगर कोई पूछे कि यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं, और यूएनओ के ही उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला साहिद मालदीव के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण विश्व बैंक आईबीआरडी के 13वें अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलपास जो कि अमेरिका के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइन मूवमेंट के अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीयेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा जो कि बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला।
ठीक है, UNCTAD अंटार्ट के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पेन, जो कि कोस्टा रिका की है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक क्यू डोंग यू चीन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो टोगो। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ट्रेडोस अधानोम। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर, जो कि ब्राजील जर्मनी से जिनका संबंध है। दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के महासचिव कौन है? तो इसाला रुवन वीराकुन, जो कि श्रीलंका की है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका की है। यूरोपीय संघ EU की संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेटसोला, जो कि माल्टा के हैं। अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकी संघ AU मतलब ऑस्ट्रेलियन यूनियन, नहीं अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष फेलिक्स एंटनी टीसेड को, जो कि कांगो के हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन OPEC के महासचिव हैथम अलघिस, जो कि कुवैत के हैं। नाटो, नाटो के महासचिव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में बना रहता है। तो अगर पूछे नाटो का महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। ठीक है, आसियान, आसियान, आसियान का महासचिव कौन है? तो लिम जॉक हुई, जो कि ब्रुनोई के हैं। ठीक है, अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा, जो कि जापान के हैं। इंटरपोल, इंटरपोल के महासचिव जर्गिन स्टॉक, जो कि जर्मनी के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी, जो कि UAE के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोआन डोंगयू। अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा के प्रशासक बिल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, NDB के अध्यक्ष मार्को स्ट्राइजो। अब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के उच्च आयुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली के हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के उच्चायुक्त कौन है? तो वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया। ठीक है, आपको किसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि उच्च आयुक्त में कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, यहाँ पे मानवाधिकार परिषद है, तो UNHRC के उच्चायुक्त कौन है? तो वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD और CEO कौन है? तो स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। लॉन्स नायक मंजू,
लॉन्स नायक मंजू, क्या है ये? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। प्रियंका मोहिते, 8000 किलोमीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। ठीक है, अब डॉक्टर अलका मित्तल कौन है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल है। ठीक है, पीटी उषा क्या है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? तो भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। ठीक है, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। ठीक है, नल्ला थंबी कलई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली क्या है? तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। ठीक है, आगे माधवी पुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। धृति बनर्जी सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन। ठीक है, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। शिरीषा बांग्ला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो शिरीषा बांग्ला। पहली कौन थी? कल्पना चावला, है ना। सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड का। ठीक है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो कि JNU की पहली महिला कुलपति हैं। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। ठीक है, भावना कांत, भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि गीता गोपीनाथ कौन है? तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक है और ये इंडियन है। मैकडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, आगे लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला जो कि पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की है। नौरा अल मतरूशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरूशी। सामिया सुल्लू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सुजन अर्नॉल्ड वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डायरेक्टर।
सियोमारा कास्ट्रो महिला सचिव राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास, पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की कौन है? तो सियोमारा कास्ट्रो। ठीक है, अब लिखे थे लास्ट वाला, उर्सुला वॉन डर लेयन, है ना, उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू और इसके जो राजदूत है वो है एम श्रीधरन। अर्मेनिया, अर्मेनिया की राजधानी येरवान और इसकी राजदूत है नीलाक्षी शाह सिन्हा। मार्शल द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो माजुरो और इसकी राजदूत है सीबी जॉर्ज। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब के अगर राजदूत पूछा जाए जैसे कि ये भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो सुहेल एजाज खान को। नीयू, नीयू की राजधानी अलोफी और इसके जो राजदूत है वो है नीता भूषण। कोमरोस, कोमरोस की राजधानी मोरोनी और मोरोनी के जो राजदूत है वो कौन है? तो बंडारू विल्सन बाबू। ठीक है, कोमरोस की राजधानी मोरोनी और उसके जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो है बंडारू विल्सन बाबू। कोट दी आइवर, कोट दी आइवर की राजधानी यामोस सोक्रो और इसके जो राजदूत हैं वो है राजेश रंजन। स्लोवाक गणराज्य, इसकी राजधानी ब्रैटिस्लावा और इसके जो राजदूत है वो है अपूर्वा श्रीवास्तव। बोस्निया, बोस्निया का जो राजधानी है वो है सराजेवो और इसके जो राजदूत है वो है प्रथा सतपति। गिन्नी की राजधानी क्या है? तो कोनाक्री और इसके राजदूत हैं अवतार सिंह। कुवैत, कुवैत का जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी और इसके जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो है आदर्श श्वेका। माल्टा, माल्टा के जो को जो राजधानी है वो है वालेटा और राजदूत पूछे तो गलेरिया गंगटे। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया का जो कैपिटल है वो है बोगोटा, बोगोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर राजदूत के बारे में अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो उसका आंसर होगा वनलाल हुम्बा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेनेगल, सेनेगल का जो राजधानी है वो डकार और यहाँ जो राजदूत है वो दिनकर अस्थाना। मेडागास्कर, मेडागास्कर का जो कैपिटल है वो एटाना नारीवो और यहाँ पे जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो हैं बडारू विल्सन बाबू। बेनिन, बेनिन का कैपिटल पोर्टोनोवो, यहाँ पे जो राजदूत हैं वो हैं जी बाला सुब्रमण्यम। सेशेल्स का जो राजधानी है वो है विक्टोरिया और यहाँ पे किनको नियुक्त किया गया है? तो कार्तिक पांडे को। इरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा, अस्मारा में जिनको राजदूत नियुक्त किया गया वो है प्रकाश चंद। जापान, जापान का राजधानी टोक्यो। ठीक है, और टोक्यो में जो राजदूत है वो है सीबी जॉर्ज। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और यहाँ पे जो राजदूत है वो है सुश्री नीता भूषण। कनाडा, कनाडा का राजधानी हो गया ओटावा और ओटावा में यहाँ बोलिए कनाडा में, कनाडा में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार वर्मा। कोरिया, कोरिया का कैपिटल है सियोल और राजदूत अमित कुमार। ठीक है, बहुत सारे हैं। थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और यहाँ पे नरगिस सिंह। यूके, यूके का कैपिटल लंदन और यहाँ पे विक्रम के दोराई स्वामी। केन्या, केन्या का जो राजधानी है वो नैरोबी और यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है नामग्या सी खंपा। वियतनाम का कैपिटल हनोई, यहाँ पे संदीप आर्य हैं। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और यहाँ पे किनको नियुक्त किया गया? तो प्रणय कुमार वर्मा। उसी तरह से भूटान, भूटान का कैपिटल थिम्पू, यहाँ पे सुधाकर दलेला। हैती गणराज्य का कैपिटल पोर्टो प्रिंस और यहाँ पे जिनको नियुक्त किया गया वो है रामू अब्बागनी।
पेरू, पेरू का कैपिटल लीमा, यहाँ पे जिनको राजदूत नियुक्त किया गया है वो है विश्वास विदु सबकाल। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, और यहाँ पे जिनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया वो है प्रणय वर्मा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और यहाँ पे जो राजदूत हैं वो है वीरेंद्र कुमार पॉल। संयुक्त राष्ट्र का कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी, और इसके राजदूत हैं वो हैं रुचिरा कंबोज। ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो राजदूत हैं वो कौन है, रुचिरा कंबोज। नेपाल, नेपाल का कैपिटल हो गया काठमांडू। काठमांडू यहाँ पे जो राजदूत हैं वो है नवीन श्रीवास्तव। यूक्रेन, यूक्रेन आए दिन न्यूज़ में छाया रहता है, तो इसका कैपिटल हो गया कीव। और यहाँ पे जो राजदूत हैं वो हैं हर्ष कुमार जैन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेलीज, बेलीज का कैपिटल है बेल्मोपान, और यहाँ पे जो राजदूत हैं वो हैं पंकज शर्मा। सैलोमन द्वीप, सैलोमन आइलैंड्स का कैपिटल है होनियारा, और यहाँ पे किनको नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में, तो एस इन बासेकर को। उसी तरह लेक्टेनस्टीन के जो राजधानी है वो है वादुच, और यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय भट्टाचार्य। अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, और यहाँ पे मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। अंडोरा, अंडोरा का कैपिटल है अंडोरा ला वेला, और यहाँ पे दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तीन और है, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टरडेम, और एम्स्टरडेम की, ठीक है, और यहाँ पे जिनको राजदूत नियुक्त किया गया वो है रीनत संधू। होंडुरास, होंडुरास का राजधानी तेंगू सिंगालपा, और यहाँ पे जो राजदूत हैं वो है मनोज कुमार मोहपात्रा। सूरीनाम, सूरीनाम का कैपिटल पारामरिबो, यहाँ पे जो राजदूत है वो है एस बालचंद्रन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रन देते हैं, आगे का हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।